बहुत बड़े बड़े घोटाले जो हमसे पहले इन पदों पर रहे उन्होंने क्या अभी तक 2012 के बाद हरियाणा ओलंपिक खेल ही नहीं करा। देखिए हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं कि जहां तंदुरुस्ती है वहीं सब कुछ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम की खबर। हम आपको बता दें, कुंवर सूरजपाल अमो हरियाणा ओलंपिक क्षेत्र के उप अध्यक्ष चुने गए। उसी कार्यक्रम के अंदर आज जहां पे नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर उनको उपाध्यक्ष बनने की खुशी में उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ऐसे अन्य हरियाणा क्षेत्र के उन खेल रत्नों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने हरियाणा के लिए, गुरुग्राम के लिए खेल रत्न प्राप्त किए हैं और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में खेल में भाग लिया है उन्होंने। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ जहां भारी मात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता मौके पे मौजूद रहे, लोगों का तिलककरण करके वहां पे लोगों का वेलकम किया गया। साथ ही साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका भी स्वागत किया गया, जहां काफ़ी बड़े चेहरे गुरुग्राम और हरियाणा के मौके पे मौजूद थे और साथ ही साथ सम्मान के साथ साथ कई अन्य उपहार भी गुरुग्राम के और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से उनको उप अध्यक्ष बनने की खुशी में दिए गए। आइए आपको लेकर चलते हैं, अपनी ये पूरी रिपोर्ट दिखा रजत पदक हासिल किया। और तो अर्जुन जी आप लगाइए और सभी से आग्रह, पिट्ठू जाएंगे भैया, पिट्ठू जाएंगे। हमारे बीच दिनेश शर्मा जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के आदेश के अनुसार मुझे हरियाणा ओलंपिक संघ में जाने का अवसर मिला। मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, गृह मंत्री अनिल विज साहब का, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का और जो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं खेल मंत्री संदीप सिंह जी का, उन सबका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि सोना मेरी जन्म संसदीय, सोना में मेरा जन्म हुआ है और सोना में मैं आज अभिभूत हूँ। जिस प्रकार से खेडला, दौला, टैठण, श्रीमथला, लोसिंगानी, भौंडसी, घामडौज, इन गाँवों ने जो अभिनंदन मेरा किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। सोना शहर के अनेकों अनेक संस्थाओं ने, लायंस क्लब से गुड्डू है, सिद्धार्थ जैन है, रोहतास जैन है। साथ ही वहाँ नाहर सिंह भी मौजूद थे जो कि अपने बेहतरीन किरदार के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाया था। उन्होंने भी अपनी स्मृतियां वहां पे लोगों के साथ शेयर की और साथ ही साथ खेल को बढ़ावा देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक घंटा खेल को देना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खेल खेलना बहुत जरूरी है। साथ ही कुंवर सूरजपाल अमू ने भी खेल को लेकर लोगों को और प्रोत्साहित किया और कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से पहली बार हरियाणा ओलंपिक संघ में हमारी सरकार का, हमारे खिलाड़ियों का पदार्पण हुआ है। संदीप सिंह खेल मंत्री हैं हरियाणा के, वो अध्यक्ष बने हैं, मेरे को उपाध्यक्ष बनाया है। असीम गोयल विधायक, वो उपाध्यक्ष बने हैं। वेदपाल जी और अनेक अनेक पदाधिकारी चुने गए। देवेंद्र सिंह IAS उसके सचिव बने हैं। बहुत बड़े बड़े घोटाले जो हमसे पहले इन पदों पर रहे उन्होंने क्या अभी तक 2012 के बाद हरियाणा ओलंपिक खेल ही नहीं कराए, ये बड़ा गंभीर विषय है। उसकी जांच हो, क्यों नहीं कराए गए, उससे पहले और कहां कहां इन्होंने गड़बड़ियां की उनकी भी जांच की जाएगी। और हरियाणा के अंदर जितने भी ओलंपिक संघ के अंदर खेल आते हैं उन खेलों को कैसे और बढ़ावा मिले, प्रतिभाओं को कैसे और आगे लाया जाए, हरियाणा ओलंपिक संघ इस पर पूरा काम करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का पूरा आशीर्वाद हरियाणा ओलंपिक संघ को है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश के गृह मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हरियाणा ओलंपिक संघ पुनः खिलाड़ियों के हाथ में है, ऐसे लोगों के हाथ में जो एक्चुअल में संस्थाओं को प्रॉपर चलाते हैं और पारदर्शिता उन संस्थाओं में है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू। देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, कहते हैं कि जहाँ तंदुरुस्ती है वहीं सब कुछ है। और चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो या कुछ भी करो, मेरी नए जो पीढ़ी है उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग कुछ वक्त, एक घंटा कम से कम अपनी ज़िंदगी का निकाल कर अपने, चाहे वो बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, एथलेटिक्स हो, जो हरियाणा रीजन में होता है
ये एक ही ऐसा स्टेट है जिसमें होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर और ज़्यादा जोर दिया जाए तो न जाने आप में से ही कोई सचिन तेंदुलकर भी निकल सकता है या कोई अर्जुन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो ओलंपिक जीते हैं वो यहाँ से ही आए हैं, तो ये मेरे उन लोगों से प्रार्थना है कि वो करें। तो ये थी आज की बड़ी खबर, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।